हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को दिया क्लीन चिट तो भड़के प्रशांत भूषण, बोले ये फैसला निराशाजनक है। राफेल विमान खरीद मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरकार को क्लीन चिट दिया जाना देश के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को रास नहीं आया। फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले की जांच को लेकर डाली गई सभी याचिकाओं को खारिज कर देना एकदम गलत फैसला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने फ्रांस का दौरा किया, जिसके बाद ज्यादा कीमत पर और बिना एयरफोर्स से पूछे नया समझौता किया गया। पाटीदार आंदोलन छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाली रेशमा पटेल ने अमित शाह को बताया घमंडी, बोली ये उनकी अहंकार की हार है। पांच राज्यों में मिले बीजेपी को हार पर विपक्षी दलों ने साथ साथ बीजेपी के अपने नेताओं के विरोधी सुर भी उठने लगे। पाटीदार आंदोलन में हार्दिक पटेल से अलग होकर बीजेपी में शामिल होने वाली रेशमा पटेल ने हार के बाद सोशल मीडिया पर जो लिखा वो हैरान करने वाला है। रेशमा ने कहा कि ये आत्मविश्वास की हार नहीं, ये अभिमान की हार है। जनता का एक एक आंसू हुकूमत के लिए खतरा है, ये मत भूलो। जय हिंद। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ पोस्ट की फेक वीडियो, क्या हार से बौखला गई है भाजपा। पांच राज्यों में पार्टी की हार के बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के बारे में फेक न्यूज फैलाना शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान का एक फेक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। इस वीडियो को राहुल गांधी के दो अलग अलग क्लिप्स को मिलाकर बनाया गया। पहली क्लिप राहुल गांधी की चुनावी रैली की, जिसमें उन्होंने भाषण देते हुए सरकार बनने के बाद 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया। वहीं दूसरी क्लिप राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो उन्होंने विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद की थी। 50 साल से सत्ता में रहने का दावा करने वाले अमित शाह पांच राज्यों में हार के बाद सदमे में नहीं गए गीता महोत्सव। पांच राज्यों में पार्टी की हार के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित गीता महोत्सव में शिरकत नहीं करेंगे। गुरुवार से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम का अमित शाह को शुभारंभ करना था। क्या बीजेपी के चाणक्य इन दिनों कितने सदमे में हैं कि गीता महोत्सव में भी भाग लेने से बच रहे हैं। ये वही नेता हैं जो 50 साल तक सत्ता में बने रहने का दावा करते हैं। कांग्रेस से 16 गुना ज्यादा बीजेपी को मिला चंदा, जिसे जनता वोट नहीं दे रही उसे चंदा कौन दे रहा है। भले ही बीजेपी के लिए साल 2018 तीन राज्यों में मिली दर्दनाक हार के साथ खत्म होने वाला है, लेकिन चंदा इकट्ठा करने के मोर्चे पर बीजेपी ने अभी भी बढ़त बनाई हुई है। सवाल ये उठता है कि जिसे कोई वोट नहीं दे रहा आखिर उसे चंदा दे कौन रहा है। 84 विदेश यात्राओं पर 2000 करोड़ फूंक चुके हैं मोदी, इतनी यात्रा तो कोई विदेश मंत्री भी नहीं करता। अपने आप को प्रधान सेवक कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेशी यात्राओं के लिए हमेशा ही चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री की इन विदेशी यात्राओं को लेकर देश में गंभीर बहस शुरू हो गई। एक अंग्रेजी वेबसाइट की खबर के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने 4.5 साल में अपनी विदेशी यात्राओं पर करीब $280 मिलियन खर्च कर दिया है। संसदीय समिति की रिपोर्ट, घटिया खाना खाने को मजबूर है जवान, यही बोलने पर छिन गई थी तेज बहादुर की नौकरी। आपको बर्खास्त बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव याद है, ये वही जवान है जिन्होंने साल 2017 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर दुर्गम इलाकों में तैनात जवानों को खराब खाना दिए जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। उम्मीद है आप तेज बहादुर यादव को भूले नहीं होंगे। अब संसदीय कमेटी की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों को खानपान के मामले में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में योगी के मंत्री नंदी और उनकी मेयर पत्नी हिरासत में, बैंक मैनेजर को दी थी धमकी। योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता, नंदी और उनकी महापौर पत्नी अभिलाषा गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में लिया। नंदी पर आरोप है कि उन्होंने बैंक से कर्ज लेकर नहीं चुकाया और जब इसकी तहरीर दी गई तो उन्होंने बैंक मैनेजर को धमकी दी। दंपति को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में हिरासत में लिया गया है। स्मृति ईरानी के बाद अब बीजेपी समर्थक लेखिका ने कांग्रेस को बदनाम करने के लिए पोस्ट किया फेक वीडियो। पांच राज्यों में करारी शिकस्त के बाद बीजेपी और उसके समर्थकों ने फेक न्यूज के जरिए कांग्रेस को बदनाम करना शुरू कर दिए। बीजेपी समर्थक लेखिका ने वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस की जीत को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि बाबरी मस्जिद लेकर रहेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। उसके इस रीट्वीट को एक्टर कोयना मित्रा ने भी रीट्वीट किया।
फिल्म काला के निर्देशक की अपील, कहा 2019 के चुनावों में एकजुट होकर वोट करें देश के दलित। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म काला के निर्देशक रंजीत ने देश में दलितों से 2019 के लोकसभा चुनावों में एकजुट होकर वोट देने की अपील की है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये कहा कि जब हमारे द्वारा चुना गया विधायक और सांसद हमारे लिए एक शब्द नहीं बोल सकता तो हम उनको क्यों चुनें। सबरीमाला और राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सवाल खड़ा करने वाले अमित शाह और भाजपा ही आज प्रसन्न है। संजय सिंह, एक मशहूर शब्द है, बेशक आपने सुना ही होगा, दोगला चरित्र। ये शब्द भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर बिल्कुल सही बैठता है। ये वही अमित शाह है जो 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के सबरीमाला फैसले पर सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को नसीहत देते हैं कि फैसला सोच समझ कर लिया जाए। 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे पर भाजपा को क्लीन चिट दिया, जिसके बाद से अमित शाह मानो ऐसे खुश हैं जैसे चोर चोरी करने के बाद बरी हो जाता हो। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने अमित शाह को कटघरे में ले लिया। पार्टी के नेता संजय सिंह द्वारा ट्वीट किया गया कि सबरीमाला और राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सवाल खड़ा करने वाले अमित शाह और भाजपा ही आज प्रसन्न है। अगर बीजेपी राफेल में बेदाग है और कांग्रेस बोफोर्स में, तो डिफेंस डील पारदर्शी क्यों नहीं कर देती हैं दोनों पार्टियां। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राफेल डील पर खारिज की गई याचिका पर विपक्षी दलों ने नाराजगी जाहिर की। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि देश के व्यापक हित में यही बेहतर होगा कि केंद्र सरकार अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ साथ देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों को विश्वास में लेकर देश की सुरक्षा संबंधी अहम जरूरतों को ध्यान में रखकर सैन्य व अन्य रक्षा सौदों के संबंध में एक दीर्घकालीन व पारदर्शी नीति तैयार करे, साथ ही उस पर ईमानदारी से अमल भी करे। जो लोग ये पूछते हैं 2019 में मोदी बनाम कौन, उनके लिए मेरा जवाब है, मोदी बनाम उनके वादे। तेजस्वी यादव, हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रह रहकर ये सवाल उठने लगा है कि जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे हिंदी पट्टी की जनता ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की राजनीति करने वाली बीजेपी को खारिज कर दिया, तो क्या 2019 में होने वाले आम चुनाव में वो बीजेपी को नकारने वाली है। लेकिन अब इस सवाल का जवाब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दे दिया। NDTV से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग ये पूछते हैं कि मोदी बनाम कौन, उनके लिए मेरा जवाब है, मोदी बनाम उनके वादे। अलवर की 11 में से 9 सीटें हारी भाजपा का पहलू और रकबर के हत्यारों की तरफदारी पड़ेगी महंगी। राजस्थान का अलवर जिला यहां अप्रैल 2017 में पहलू खां और जुलाई 2018 में रकबर खां की कथित गौरक्षकों द्वारा सरेआम पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस बार ये जिला बीजेपी की सत्ता से विदाई का एक महत्वपूर्ण कारण बना। पिछले विधानसभा चुनावों में जिले की कुल 11 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का कब्जा था, लेकिन इस बार अलवर की जनता ने बीजेपी को जिले में महज 2 सीटों पर ही समेट दिया। अलवर जिला बीजेपी के केंद्र और राज्य में बनी सरकारों के कार्यकाल में गौरक्षकों के आतंक के कारण देश भर में चर्चाओं में रहा। राजस्थान के इस जिले में डेयरी किसानों की संख्या अधिक है और पिछले कुछ समय से यहां गौरक्षकों की गुंडागर्दी अपने चरम सीमा पर थी। जब तक JPC से जांच नहीं होगी, तब तक देश कभी नहीं जान पाएगा कि राफेल घोटाला है या डील। संजय सिंह, राफेल डील है या घोटाला, इस पर एक बार फिर बहस शुरू हो चुकी है। इस मामले पर जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला था, वहीं अब आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलने का आरोप लगाया, साथ ही JPC से जांच की मांग भी की है। राफेल घोटाला है नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं संसद में तय होगा, शिवसेना। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 के तहत फैसला देने से मना कर दिया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी क्षेत्र से बाहर का मामला है। राफेल पर दिए गए फैसले पर बीजेपी के सहयोगी दल शिवसेना ने सहमति जताई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गलत नहीं किया, कीमत तय करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, वैसे जैसे राम मंदिर बनवाना उनका काम नहीं, राफेल डील का मामला संसद में ही हल होगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत इस बात पर मुहर है कि राहुल गांधी अब देश के नेता हैं, मोदी के लिए चुनौती है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए प्रचार कर चुके कांग्रेस समर्थक आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोलता हिंदुस्तान से तमाम मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस ने इस विधानसभा चुनावों से देश की राजनीति में वापसी की। आचार्य प्रमोद ने 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत को बीजेपी के लिए बड़ा झटका बताया, साथ ही ये भी कहा कि अब अगला चुनाव राहुल बनाम मोदी का ही होगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता बोले, कोर्ट राफेल की कीमत और अंबानी को टेंडर दिए जाने पर खामोश क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर सवाल उठाने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि इस सौदे की जांच करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो निर्धारित की गई राफेल कीमत की तुलना करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियम के मुताबिक ऑफसेट पार्टनर विक्रेता द्वारा तय किया जाना था, न कि केंद्र सरकार द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा राफेल की बड़ी कीमत और HAL की जगह अनिल अंबानी को टेंडर दिए जाने को लेकर जो सवाल उठाए गए थे, उसके जवाब अभी तक नहीं मिले। कोर्ट इस पर खामोश क्यों है। छत्तीसगढ़ के किसानों के आए अच्छे दिन। अधिकारी ने लिखा, 10 दिन में माफ होगा किसानों का कर्ज। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। इसी वादे के तहत छत्तीसगढ़ में राज्य शासन के अधिकारियों ने किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों से मिली जानकारी की माने तो सहकारिता विभाग के उप सचिव ने संबंधित संस्थानों को पत्र लिखकर इस बाबत जरूरी जानकारी मांगी है, ताकि कर्जा माफ योजना सरकार बनने के 10 दिनों के अंदर ही लागू कर दिया जाए। कमलनाथ होंगे MP के CM, अब किस मुंह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की मुखालफत करेगी कांग्रेस। तमाम मशक्कतों, मान मनवल और रस्साकशी के बाद आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने मध्य प्रदेश के CM पद के लिए कमलनाथ को चुन ही लिया। 72 साल के कमलनाथ 9 बार से छिंदवाड़ा के सांसद हैं। दशकों से कांग्रेस पार्टी के वफादार संजय गांधी के अच्छे दोस्त रहे हैं और इंदिरा गांधी उन्हें अपना तीसरा बेटा कहा करती थी, वगैरह वगैरह। BJP नेता विजय वर्गीय बोले, राहुल विदेशी स्त्री की संतान। प्रियंका बोली, हार की चोट गहरी लगी है। देश की मौजूदा राजनीति में भाषाई स्तर काफी नीचे पहुंच गया। इसका जीता जागता उदाहरण है BJP महासचिव कैलाश विजय वर्गीय का ट्वीट। उन्होंने उसमें लिखा, विदेशी स्त्री से उत्पन्न संतान कभी देश हित और राष्ट्र प्रेम का अनुगामी नहीं हो सकता। इसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, इनको तो मानसिक इलाज की जरूरत है। मध्य प्रदेश में हुई हार की चोट गहरी है। ऐसी दूषित मानसिकता से ग्रस्त लोगों को सन्मति दे भगवान। राफेल सौदे की JPC जांच से बच रही BJP। आचार्य प्रमोद बोले, जांच से डरते हो फिर ईमानदार होने का दावा क्यों करते हो। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर सवाल उठाने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि सौदे पर जांच करवाना उसके आधिकारिक क्षेत्र में नहीं आता। ऐसे में कांग्रेस ने इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और BJP राफेल को लेकर जांच कराने से बचती नजर आ रही है। BJP के इस रवैये पर आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सजा मत देना मगर जांच तो होने दो। जांच की आंच से भी डरते हो फिर ईमानदार होने का दावा क्यों करते हो। लालू को चारा चोर कहने वाले लोग आज माल्या को चोर कहने से भी आपत्ति जता रहे हैं, क्यों। भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या का नाम सुनते ही आपका मन गुस्से से भर जाता होगा। मन में तरह तरह के ख्याल आते होंगे कि जैसे भी हो उसे हर हाल में भारत वापस आना चाहिए और उससे पाई पाई वसूलनी चाहिए। आपका ये गुस्सा, ये नाराजगी जायज है, होनी भी चाहिए। आखिर विजय माल्या देश के सरकारी बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए, वो भी इंडिया से बहुत दूर, हजारों मील दूर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि BJP के पूर्व अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी भी भगौड़े माल्या को चोर कहने पर सख्त एतराज जताते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। नितिन गडकरी को न सिर्फ उसे चोर कहने पर एतराज है, बल्कि बेशर्मी की हद पार करते हुए उन्होंने उसे माल्या जी भी कहा। गडकरी का समर्थन मिलने के बाद अब माल्या कह रहा है, जब सैया भय कोतवाला तो डर काहे का। संजय सिंह, 9,000 करोड़ के बैंक डिफॉल्टर को माल्या जी कहे और उसके समर्थन में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बयान से विवाद शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने BJP पर निशाना साधा और ट्विटर पर लिखा कि विजय माल्या के समर्थन में उतरी भाजपा, माल्या कह रहा है जब सैया भय कोतवाला तो डर काहे का। भगौड़े विजय माल्या के समर्थन में उतरे गडकरी बोले, माल्या जी को चोर कहना सही नहीं। भारतीय बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या के समर्थन में अब मोदी सरकार के मंत्री उतर चुके हैं। नितिन गडकरी के इकोनॉमिक टाइम्स के एक कार्यक्रम में कहा कि कोई शख्स अगर एक बार ब्याज ना लौटाए तो उसे अपराधी बना देना गलत है। गडकरी ने कहा कि किसी को एकदम से चोर बता देना गलत है। छत्तीसगढ़, BJP के MLA ही नहीं मंत्री भी हारे। वोट प्रतिशत का ये अंतर
दिखाता है कि लोकसभा में भी हारेगी बीजेपी। महज 4 महीने बाद देश आम चुनाव के समर में कूदने जा रहा है। इस बीच 11 दिसंबर को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए। सभी राज्यों में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। दिग्गज नेताओं की हार छत्तीसगढ़ की हार को असामान्य बना देती है। भविष्य की राजनीति और 2019 के आम चुनाव पर इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। जिस राहुल को पप्पू कहने के लिए शाह ने 1,000 करोड़ खर्च किए, 5 राज्यों में हार के बाद उसे राहुल जी बोल रहे हैं। कहते हैं कि वक्त अच्छा हो या बुरा, उसकी एक खासियत है कि वो गुजर जाता है और किसी के बुरे वक्त में उसका मुखाल करने वाले, उसका मजाक उड़ाने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा भी वक्त ही लगाता है। कुछ ऐसा ही हुआ आज अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राफेल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के कुछ ही देर बाद अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राफेल मामला उठाने के लिए खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन इस बार उन्होंने राहुल गांधी को हर बात की तरह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी न कहकर कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी कहा। अगर राफेल डील पर मोदी सरकार बेदाग है तो इस पर कैग रिपोर्ट में देरी क्यों की जा रही है। राफेल विमान खरीद के कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल डील की जांच के लिए आदेश देने की जरूरत नहीं। मगर अगर याद हो कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इतर राफेल पर एक और रिपोर्ट आना बाकी है, जो कैग रिपोर्ट होगी, क्योंकि जून में ही इस मामले पर रिपोर्ट आई थी कि वायुसेना को अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों से लैस करने के लिए फ्रांस के साथ हुए राफेल सौदे की लेखा परीक्षा महालेखा नियंत्रक एफ परीक्षक कैग रिपोर्ट तैयार करने जा रहा है। इस मामले पर खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सौदे की जांच कैग जरूर करेगा, लेकिन ये डील रद्द नहीं होगी। अभी तक राफेल पर असली रिपोर्ट कैग को देनी है, कैग को नोटबंदी की रिपोर्ट भी देनी है, मगर इस मामले पर कैग ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है। जिस दिन राफेल की जेपीसी जांच होगी, उस दिन दो नाम निकलेंगे, एक अनिल अंबानी और दूसरा मोदी, राहुल गांधी। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए सवाल उठाए और कहा कि जब कोई झूठ बोलता है तो कहीं ना कहीं निकलता है। अब सरकार को हमें ये समझाना है कि ये पीएसी रिपोर्ट कहाँ है। कैग की रिपोर्ट सामने न आने पर राहुल गांधी ने कहा कि आखिर खड़गे जी पीएसी के अध्यक्ष हैं और ऐसी कोई रिपोर्ट उन्होंने देखी नहीं, शायद कोई और पीएसी चल रही है। राहुल ने ये भी कहा कि पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है, हमें इसको साबित करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है और उसने अनिल अंबानी को चोरी करवाई। उन्होंने कहा जिस दिन राफेल मामले की जांच हो गई, उस दिन दो नाम निकलेंगे, अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी। कमाल करते हैं भाजपा वाले, जीत कर आते हैं तब भी रुलाते हैं और अब हारने के बाद भी रुलाने का ही वादा कर रहे हैं। एक साथ 5 राज्यों में हारने के बाद बीजेपी नेता अपना संतुलन खो रहे हैं। बुधवार को बुरहानपुर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अर्चना चिटनिस ने कहा कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, अगर उनको रुला नहीं दिया तो मेरा नाम अर्चना जी। इसके बाद बीजेपी नेत्री के इस धमकी वाले बयान की प्रतिक्रिया देते हुए वामपंथी नेता कन्हैया कुमार ने लिखा, कमाल करते हैं भाजपा वाले, जीत कराते हैं तब भी रुलाते हैं और अब हारने के बाद भी रुलाने का ही वादा कर रहे हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।